कोलकाता की रफ़ी अहमद किदवई रोड पर आज मशरक मेडिकल पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ हुआ। कोलकाता की प्राचीन मैजेस्टिक सिनेमा हॉल के बगल में खोले मशरक मेडिकल पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन स्थानीय टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहा ने किया। इस मौके पर काउंसिलर सोहिनी मुखर्जी भी मौजूद थी। विधायक स्वर्ण कमल साहा ने मशरक मेडिकल पॉलीक्लिनिक प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि इलाके में इस तरह के मेडिकल पॉलीक्लिनिक की सख्त जरूरत थी। इस मौके पर मशरक मेडिकल पॉलीक्लिनिक के मालिक मुमताज अहमद ने कहा है कि स्थानीय लोग काफी दिनों से रफ़ी अहमद किदवई रोड पर एक अच्छे मेडिकल शॉप और पॉलीक्लिनिक की जरूरत महसूस कर रहे थे। लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए और शहर की स्वास्थ्य परिसेवा को और भी उन्नत बनाने के लिए हमने मशरक मेडिकल पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की है, जहाँ एक तरफ सभी तरह की दवाएं वाजिब दाम पर उपलब्ध हैं, दवाओं पर 20% तक की छूट मिलेगी। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए यहाँ हर वक्त शहर के बेहतरीन डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इनमें डॉक्टर निजामुद्दीन, डॉक्टर जोहरा जबीन, डॉक्टर कलामुद्दीन, डॉक्टर आफरीन जावेद, डॉक्टर नबीला रहमान और डॉक्टर मंसूर अली जैसे कोलकाता के नामचीन डॉक्टर्स शामिल हैं। ये सभी विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और अलग अलग वक्त में ये यहाँ मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये पहल पसंद आएगी। बेसिकली आसपास में मेडिकल सेंटर्स की काफ़ी कमी थी, तो मैं तो बाहर रहता था। जब आया यहाँ पे देखा कि लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मेडिसिन लाने में दूर जाना पड़ता था, तो इसलिए मैंने पॉलीक्लिनिक मशरक मेडिकल बेसिकली एक पॉलीक्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर चैम्बर्स भी बैठे हैं और जहाँ पे पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स भी है, तो यहाँ पे सभी टाइप के डॉक्टर्स बैठेंगे और हमें मेडिसिन हम अच्छा डिस्काउंट अप टू 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सके हम देंगे उनको, सो दैट कि आसपास के लोगों को सहूलत हो सके, हर चीज़ की सुविधा मिल सके। कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर बैठेंगे? यहाँ पे सभी डॉक्टर्स बैठेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रो, कल से सब बैठना स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर्स सभी बैठ रहे हैं अपने टाइम के हिसाब से। जी ये जो इलाका है आपका, जी यहाँ बहुत सारे मेडिकल शॉप्स भी है, प्लस जी क्लिनिक भी है, जी। आपके पास बेसिकली तीन चार चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा इस पर। आसपास की चीज़ें जो लोग हैं कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस, कि लोगों को सहूलत हो कि उनके घर पर जाकर मेडिसिन दिया जाए, जो सब दे रहे हैं, लेकिन हमको कुछ अलग सोच के मैं सोच रहा हूँ, सो दैट कि जैसे एक ऐप बना रहा हूँ जहाँ के लोग सिर्फ व्हाट्सएप में मुझे भेजें और उनके घर पर डिलीवरी हो जाए। तो ये और आसपास में जो मेडिसिन है, या बगल में रिपन स्ट्रीट है, नहीं तो फिर वेलिंगटन में, तो ये बीच में हमारा ये पड़ता है जहाँ पे हम मिडिल में मेडिसिन सेंटर नहीं है, तो उसी को हम कैटरिंग करने मांग रहे हैं। इस एरिया में बांग्लादेश के भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जी तो जी उनके लिए कुछ आपको जहन में किया? जी बेशक, हम क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में, हमारा सेलेट, ढाका और चिटागोंग में हमारी ऑफिस होंगी, जहाँ पर जो पेशेंट अभी नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको पता नहीं किसे दिखाना है, तो हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमारी गाइड नहीं मिलता, प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है उनको, लोग मतलब एक टेस्ट की जगह 50 टेस्ट करवा रहे हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट वहाँ पर अपने ऑफिस है कि जिस पर्पज़ के लिए वो आ रहे हैं, एटलीस्ट वो पर्पज उनको मतलब मिला कि हाँ भाई प्रॉपर वो आए यहाँ पे मेडिकल, हम आगे चल के हम मेडिकल टूरिज्म का भी प्लान कर रहे हैं जहाँ पे लोग वहाँ पे आए, बताएं उनको क्या करना है, सो दैट वहाँ से आए यहाँ पे डायरेक्टली उनके होटल से इंतजाम लेके, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से लेके, नर्सिंग होम से, एवरीथिंग विल बी टेकिंग केयर अंडर वन रूफ। ये फ्यूचर प्लान है हमारा। हाँ, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और इस इलाके के लोगों के लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि उनके लिए ये एक नज़दीक में एक मेडिकल सेंटर खोला गया है जिसमें मेडिसिन के ऊपर 20% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर बैठेंगे, जो न्यूरो हैं, पेडियाट्रिक है, सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हर डिजीज़ के स्पेशलिस्ट यहाँ रहेंगे और प्लस जनरल फिजिशियन भी रहेंगे, जो सर्दी ज़ुकाम वायरल फीवर वगैरह के लिए वो कम दाम में उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड कलेक्शन सेंटर भी हम लोग कर रहे हैं ताकि कम से कम दाम में उनका ब्लड कलेक्शन किया जाए और उनके अच्छे जगह से उनका पैथोलॉजी टेस्ट करा करके उनको प्रोवाइड किया जाए। डॉक्टर जो बैठेंगे उनका क्या टाइमिंग होगा? आवर्स अभी टाइमिंग तो बहुत से डॉक्टर बैठ रहे हैं, अभी टाइमिंग हम आप लोगों को ये कर देंगे, पेपर के थ्रू हम लोग ये कर देंगे। वैसे अभी कई एक डॉक्टर हैं जो गायनी में, डॉक्टर आफरीन जावेद हैं, वो सनीचर को 11 बजे से लेकर 1 बजे बैठ रही हैं। डॉक्टर कलामुद्दीन हैं, अंसारी हैं, वो पेडियाट्रिशियन हैं, वो हफ्ता में 2 बार बैठेंगे और मैं खुद ही हफ्ता में 2 बार बैठूँगा यहाँ पर। और एक गायनी है डॉक्टर जोहरा जबीन, वो भी बैठेंगी और बहुत से और भी कई एक डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर आर के डे हैं जो सर्जन हैं, वो भी बैठने के लिए राज़ी हैं। और डॉक्टर जावेद
सादिक जे वी सादिक वो भी बोले हैं कि हम भी इसमें टाइम ले लीजिए, कोई न्यूरो सर्जन थोरेसिक सर्जन है और हमारे इस इलाके में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसको कि हमको मद्देनज़र के उसको पूरी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आलम परवेज आलम हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं दुआ करता हूँ ये क्लिनिक फ्लरिश करे, साथ में यहाँ के आवाम जो हैं जो इन पर डिपेंडेंट होंगे वो भी फ्लरिश करे, और हम लोग कोशिश करेंगे जो भी हो इकोनॉमिकल वे में एथिकल प्रैक्टिस करे ताकि कोई पेशेंट पर बर्डन ना पड़े एक्स्ट्रा, जो आजकल अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत चलता है इस प्रोफेशन में। तो हमारा और हमारे जो कज़न हैं हम लोग एक ही मकसद है कि एथिकल प्रैक्टिस करते हुए इसको फ्लरिश करना है, पेशेंट पे बर्डन ना जाए, जितना मिनिमम बर्डन पे काम कर सके हम लोग। और फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हम लोगों के प्लानिंग में, और भी जाके स्कूल्स में हो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे या कार्डियोलॉजिस्ट होंगे हमारे, जहाँ पर रूरल जो मोहल्ला क्लिनिक खोल करके वहाँ पर कोई स्क्रीनिंग किया जाए, फिर उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए कि कहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको। ये हमारा प्लानिंग है, आप फ्यूचर में और भी कुछ देखते हैं जी? नहीं नहीं, प्लानिंग है स्कूल्स में भी और मोहल्लास वगैरह में भी कि बेसिक हीमोग्लोबिन टेस्ट हो, शुगर टेस्ट हो, ECG हो, ताकि एक बेसिक डायग्नोसिस बना करके उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके।